आरसेटी द्वारा विकासखंड ग्राम ताजपुर में स्वयं सहायता समूह के साथ प्रशिक्षण एवं वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आपको बता दें कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह के आत्मनिर्भरता एवं वित्तीय जागरूकता के लिए महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु आरसेटी द्वारा प्रशिक्षण एवं वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर पीएनबी आरसेटी प्रशिक्षण अमित कुमार चौबे ने कहा कि बीसी सखी का चयन प्रत्येक ग्राम पंचायत में किया गया है ताकि घर घर तक बैंकिंग सेवाएं पहुंच सके। इसके साथ ही महिलाओं को बचत और स्वरोजगार के लिए पंच सूत्रों को विस्तार से बताया और लगभग 60 प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आदि वित्तीय योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में लगभग 62 महिलाओं ने हिस्सा लिया। धन्यवाद देना चाहेंगे दीपा सिंधु जी का, जिनका प्रयास रहा कि गांव की महिलाओं को भी जागरूक करो जी। एक बार के लिए जो है ताली बजा दीजिए। और इन्होंने इस संस्थान से प्रशिक्षण लिया था बीसी सखी का, ठीक है। बीसी सखी जन स्वास्थ्य कौन होता है, तो ये काम इनको उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ग्राम पंचायत एक बीसी सखी योजना के तहत दिया है। कोई प्राइवेट या कोई फर्जी फर्म नहीं है, सरकार ने एक इस ग्राम पंचायत में इनका नाम चयन किया है जिस पैसों को लेने के लेन देन के लिए। आपका बैंक कितनी दूरी पर है? अनपढ़ भी नहीं ले सकता। 1000 रुपए लेने के लिए आपको पूरा दिन लग जाता होगा। परेशानी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको चुना, ठीक है। कोई फर्जी कंपनी नहीं है, सरकार की तरफ से ब्लॉक की तरफ से चुना हुआ है। इन्होंने प्रशिक्षण लिया सेटी से 6 दिन का। इसमें इन्होंने सीखा कि कैसे कस्टमर को डील करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे हमें पीछे से किया काम करेंगे। आप लोग जिन दिक्कतों का सामना उठाकर अपना एक पैसा जमा करने के लिए बैंक में जाते थे, फिर वहां आपको सही सूचना नहीं मिलती थी, तो इसलिए आप घर बैठ कर इनके माध्यम से अपने खाते में पैसा समूह का जमा कर सकते, ठीक है। लेकिन समूह का पैसा भी निकालने का भी नहीं आया, समूह का पैसा नहीं निकाल सकते। अब इनका मकसद था, ये चाहते तो अपना काम चुपचाप कर लेती बैठे। इनके मेरे पर हजारों कॉल आई, हजारों, कि हमारे गांव में कब आ रही थी, हमारे गांव की महिलाओं को जागरूक कब कर रहे थी, जो योजनाएं सरकारी आ रही कैसे बताओ बताओ। इन्हें कोई लालच नहीं था, तो मैं आपके पास इसी मकसद से आया हूँ। यहाँ पर बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम था। आपका खुद ही आपका भाई जो डेयरी का काम करना चाहता हूँ, जो पशु पाल कर अपना रोजगार करना चाहता हूँ, तो हमारे यहाँ प्रशिक्षण है। और प्रशिक्षण के बाद यदि कोई अपना पैसे नहीं है उसके बाद, तो हम लोग की ताकि उसका पशु आ जाए और अपना काम जोड़ लें। मधुमक्खी पालन का काम है, मशरूम उत्पादन का काम है, बकरी पालन का काम है, छोटे छोटे काम, सुअर पालन का काम है। आप कहोगे कितना गंदा काम, ये भी बिजनेस है, कर रहे तो किसी की रुचि है तो कर सकता है। 1 महीने की ट्रेनिंग है, 8 घंटे रोज। आप प्रीऑर्ड ट्रेनिंग लेंगे तो 3-4 महीने के होती है, लेकिन हमारे यहाँ 1 महीने का कोर्स है और फिलहाल चल रही है ब्यूटी पार्लर का कोर्स। साल में एक बार जब आप जाते हैं, खाना पीना रहना क्रीम पाउडर सिखाना सुनना सब हमारा, आपका कोई कल्चर नहीं है। माटी जरूरी सुन लो पहले, आप बात आपकी कौन से पूछूंगा। हमारे यहाँ होता है ब्यूटी पार्लर का कोर्स 1 महीने का, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कोर्स है हमारे यहाँ 1 दिन का, टेडी बियर बनाने का कोर्स है, अचार पापड़ मसाला बनाने की ट्रेनिंग है 10 दिन का, झाड़ू बनाने का प्रशिक्षण है गरीब महिलाओं के लिए, टेम्पो वाला टेम्पो चलाना सीखेगा पहले, तब जाकर टेम्पो मोटर चलाएगा, सवारी बैठेगी तब किराया मिलेगा। मैं यहाँ पर आपके पास आया हूँ बोलने के लिए, लेक्चर दूंगा तब जाके मेरे तो आपसे अनुरोध है कि खुद भी सीखो, अपनी बेटियों को भी सिखाओ, अपने पति को भी सिखाओ, पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। आपको इसलिए बुलाया मैंने ताकि आप लोग सुनोगे तो घर में जाकर भी कहोगे, जब तो 2-4 सालों से नहीं कहोगे आप शांत नहीं बैठ पाओगे। मानव प्रकृति दोना पत्थर बनाना, ज्योत बत्ती बनाना, मोमबत्ती सिखाना 6 दिन के अंदर,
जाओ, वहीं रुकने की व्यवस्था भी है, वहां रुको, पूरा फ्री खाना पीना नाम सब सब फ्री, झाड़ू झूठा सब कमा आपको बताएंगे, कहाँ सामान कच्चा मिलेगा, कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा सब बताएंगे, और हमें काम शुरू कर दोगे। हम क्या सोचते हैं कि हमें सही तत्काल पैसा मजदूरी पे जाएंगे, शाम को 300 मिल जाएगा, कल का कौन देखा, इसलिए हम गरीब हैं। अगर हम लंबे टाइम का सोच के चले कि झाड़ू का काम जोड़ लेंगे, परचून के हमारे यहाँ दुकानदारी की ट्रेनिंग है, तब घर में सभी बोल रहे हैं, यहाँ गाइड में सभी बोल दोगे, लेकिन यहाँ बोलना दो शायरिया करूंगा। हम कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भी विजय है कि अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमको, हम अपना मंच बना लेंगे, ठीक है, अपना मंच को बनाओ तभी महिला दिवस मनाने का फायदा है।